Fill a rock into a pond Ripples fade away Human hearts on select लकम बैक टू माई चैनल तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ विंटर वेडिंग मेकअप लुक होता क्या है कि विंटर में आपके फाउंडेशन और जो मेकअप होते हैं बहुत फटे फटे से लगते हैं रूखे रूखे से लगते हैं तो आज मैं आप लोग के साथ हैक शेयर कर रही हूँ ऐसे क्या मतलब मेकअप यूज करें जिससे आपका मेकअप ग्लॉसी डू टाइप का लगे लॉन्ग लास्टिंग लगे बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है बहुत ही ज़्यादा हाई कवरेज है एक ख़ास बात और ये है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझे बार बार कमेंट करके पूछते हो कि आप भी मुझे भी मेकअप सीखना अच्छा वाला कहाँ से सीखूँ यार देखो पहले तो एक बात ये समझ लो कि कोई भी चीज़ अगर सीखनी है ना तो बिल्कुल प्रोफेशनल जगह से सीखो जहाँ से तुम्हें परफेक्शन मिले और ये भी समझो कि यार अब मेकअप बस एक हॉबी नहीं रहा बल्कि ये पूरी इंडस्ट्री बन चुका है तुम्हें तुम इससे पैसे कमा सकती हो अपना पार्लर खोल सकते हो मेकअवर आर्टिस्ट बन सकती हो या फिर मेरी तरह एक यूट्यूबर बन सकती हो तो आज मैं आपको ऐसी एक मेकअप एकेडमी सजेस्ट कर रही हूँ जो आपको एक आपको एकदम प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बना देगा वो भी घर बैठे इस मेकअप अच्छा एकेडमी का नाम है वाह वाह मेकअप अच्छा एकेडमी ये आपको देती है ऑनलाइन पर्सनलाइज्ड मेकअप क्लासेस फॉर टू मंथ इनके माइक्रो बैचेस चलते हैं एट एट स्टूडेंट के जो आपको इंग्लिश हिंदी और तमिल में क्लासेस देते हैं ये आपको सिखाते हैं एच ब्राइडल मेकअप हेयर एंड नेल स्पेशलाइजेशन और सुनिए अगर आप मेरे दिए हुए लिंक से इस के में तो आपको मिलेगा ट्वेंटी पैलेट और ढेर सारी बाकी मेकअप की चीजें तो अगर आप भी घर बैठे मेकअप के प्रोफेशनल टिप्स एंड ट्रिक्स सीखना चाहती हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर चेक करो वाह वाह के साथ इनरोल करो तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जैसा कि आप लोग को पता है मैं हमेशा आई मेकअप से स्टार्ट करती हूँ यहाँ पे मैंने पिंक कलर का शेड लिया है और इससे आउटर वी पे इस तरीके से आप प्लेस किया और इसे ब्लेंड कर दिया ठीक है बहुत इजी आई मेकअप है उसके बाद जो भी आपके कपड़े का सेकंड कलर हो वो बीच में अप्लाई कर लो जो भी मतलब कलर कॉम्बिनेशन तो होता ही है तो मेरे में पिंक और ये स्काई ब्लू कलर का था दोनों को मिक्स कर दिया ठीक है अभी ये ऑरेंज कलर का शेड लेके इनर कॉर्नर पे अप्लाई करूँ क्योंकि तीन कलर का शेड मेरे कपड़े में है तो इस तरीके से मैंने इनर कॉर्नर पर ऑरेंज शेड लगा लिया अभी इस ये आई मेकअप कंप्लीट नहीं हुआ यहाँ पर आपको बनाना है कट क्रीज इससे क्या होगा स्काई ऑरेंज और पिंक जो है कट क्रीज में दिखेगी तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कट क्रीज की लाइन को हाइड करेंगे पिंक कलर के आई शेडों से तो ये देखिए इस तरीके से पिंक कलर के आई शेडों से मैंने जो है कंसीलर की लाइन को हाइड कर दिया ऑरेंज शेड लेके जस्ट बगल में अप्लाई किया जहाँ पे कंसीलर की लाइन थी जहाँ पे पिंक शेड लगाया था उसके बाद इनर कॉर्नर में फिर से मैंने स्काई ब्लू कलर लगा दिया है उसके बाद यहाँ पे मैंने जहाँ कट क्रीज की लाइन बनती है वहाँ पे मैंने ये ग्लिटर लाइनर लगा दिया उसके बाद यहाँ पे मैंने अमेजोन से ही लिया था ये जो है क्या बोलते हैं यार इसको ग्लिटर और ये मेरे आइज में चला गया तो यहाँ पे मैंने ग्लिटर स्टिक कर दिया इनर कॉर्नर पे जो जगह खाली थी वहाँ पे मैंने अप्लाई कर लिया है ये लाइनर उसके बाद का इज यहाँ पे जॉनसन्स बेबी यूज़ कर रही हूँ ऑयल जब भी आपकी ड्राई स्किन होती है तो हमेशा आप मेकअप करने से पहले ना ये ज़रूर लगाया करो उसके बाद मोइस्चराइजर लगाया करो उसके बाद प्राइमर लगाया करो मैं यहाँ पे मोइस्चराइजरिंग की मोइस्चराइजिंग की जगह यूज़ कर रही हूँ मैक की स्ट्रॉबेरी क्रीम क्योंकि मैंने इधर बीच मैक का थोड़ा सामान लिया था ब्राइडल के लिए तो ना मुझे ये ऑफर मतलब कि थोड़ा सा सास्ट्री में उन्होंने दे दिया था क्रीम लगा लिया प्राइमर जो है आप लगा लीजिएगा मैंने ऑफ कैमरा लगा लिया था उसके बाद यहाँ पे मैंने मैबलिन फिटमी का कॉम्पैक्ट तो सॉरी फाउंडेशन लिया था और उसी से ही मैं अपना पूरा बेस आज हाँ सेट कर रही हूँ कंसीलर की मुझे नीड नहीं लगी इसलिए मैंने कंसीलर नहीं अप्लाई किया अगर आपको नीड है तो आप डेफिनेटली ट्राई करिएगा क्योंकि वो आपके जो फीचर्स होते हैं उसे इन्हेंस करते हैं मतलब कि उसे ब्राइट करते हैं ब्राइट बोल रही हूँ <laughs> मतलब कि उससे थोड़ा सा आपकी जो चीक बोन वगैरह होती है वो सब अच्छे से विजिबल होती नहीं लगती है उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है कॉन्ट्रोलिंग मतलब कि कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अलग से कॉन्ट्रोलिंग जो पैलेट हो आपके पास मैंने ब्राउन कलर का आर शेडो लिया था उसी से मैंने कॉन्ट्रोलिंग कर लिया तो हो गई कॉन्ट्रोलिंग टेक्निक आपको पता होनी चाहिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैलेट्स हों ये हों थोड़े बहुत मेकअप सामान से भी आप मेकअप अच्छे से कर सकते हो उसके बाद मैंने यहाँ पे नेक्स की लिया है ये लिपस्टिक क्योंकि ठंडियाँ हैं तो पाउडर वाली चीज़ें मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है लिपस्टिक से ब्लश बहुत ही डोई टाइप का लगता है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उसके बाद हाइलाइटर मैंने यहाँ मेकअप रेवोल्यूशन का यूज़ किया ब्रिज ऑफ दी नोज़ और अपनी चीक बोन पर ठीक है लोअर लश लाइन पर मैंने यूज़ किया है ऑरेंज कलर का शेड और इसे अच्छे से ब्लेंड कर दिया है उसके बाद गए यहाँ पे मैं मस्कारा लगा रही हूँ किसका स्विस ब्यूटी का मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ और उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी ये मैबलिन की कलर सेंसेशनल लिपस्टिक मेरा शेड है पिंक इसे डार्क कर दूंगी उसके बाद इसके ऊपर मैंने अप्लाई किया था एले गर्ल का कर, आ, तो क्या मेकअप फिक्सर ओके okay, तो ये हो गया मेरा फाइनल लुक गाइस बिल्कुल भी आपका फटाफटा नहीं लग रहा आप देखिए कितना डूई टाइप का मेरा मेकअप लग रहा है क्योंकि मैंने इसमें ऑयल का यूज़ किया है मॉइस्चराइजिंग अच्छे से किया है अपने फेस को तो आप भी अगर ऐसे करोगे ना तो बहुत ही अच्छा केकी और बिल्कुल भी वैसा नहीं लगेगा फटाफटा से नहीं लगेगा ठीक है तो आई होप गए कि आप लोग को आज का ये मेकअप लुक अच्छा लगा हो तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि हाँ आप भी मुझे अच्छा लगा आपका मेकअप लुक और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा मुझे गाइज़ फिर याद दिला दूँ अगर आपको मेकअप का शौक है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर वाह एकेडमी की डिटेल को ज़रूर चेकआउट करिएगा दूसरी खास बात यह है कि इनके कोर्सेज एडमिशन लेने से आ, लेना है तो आप इनके जो भी आपके दिमाग में डाउट्स हैं क्वेश्चन हैं आप इन लोगों से खुल कर बात करिए इनसे सारी इंक्वायरी अच्छे से लीजिए जो भी आपके डाउट्स वगैरह हो ओके क्योंकि भाई जो काम करो पूरे दिल से करो तसली होने के बाद करो तो जितने भी क्वेश्चन वगैरह हैं सब अच्छे से पूछ लेना आधे दूरे दिल से कोई भी काम नहीं करना चाहिए ओके तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तो तक लिए बाय लव यू